नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो वो एंटीवायरस के ऊपर है और आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल ही फ्री एंटीवायरस लेके आया हूँ। क्योंकि आप जो है एक स्मार्टफोन यूज़र हैं और स्मार्टफोन जब यूज़ करते हैं तो आप जो है इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करते हैं और भी बहुत ज़्यादा आप जो है इंटरनेट के थ्रू जो है काम करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, मतलब सर्चिंग करते हैं, कुछ भी जो है आप स्मार्टफोन में अपने करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो आपके फ़ोन को जो है एक सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आपको एक सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है और आज मैं आपके लिए एक ऐसा एंटीवायरस लेके आया हूँ जो बिल्कुल ही फ्री है और आपके फ़ोन को जो है 101% जो है सिक्योर करेगा। और वो है आपका जियो सिक्योरिटी है। जियो का अपना ऐप है और इतना सिक्योर है कि आपके फ़ोन को बिल्कुल ही सिक्योर कर देगा और आपके फ़ोन में कोई भी मालवेयर, एंटीवायरस कुछ भी नहीं आएगा, वायरस नहीं आएगा, मालवेयर नहीं आएगा, कुछ भी आपके फ़ोन में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसका नाम है जियो सिक्योरिटी। जियो सिक्योरिटी एप्लीकेशन बिल्कुल ही सिक्योर है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। आपने सर्च करना है यहाँ पर प्ले स्टोर में जियो सिक्योरिटी। सर्च करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च होके आ जाएगा, तो आप देखते रहिए। और आपने वीडियो मेरा पूरा देखना है और इसका यूज़ कैसे करना है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है और स्कैन कैसे करता है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको पूरा इसमें जो है क्लियरली बताऊंगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, ये नहीं कि आपने इंस्टॉल कर लिया और बस हो गया। और इंस्टॉल करने के बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ अभी, वो भी देखते रहो। आपने पहले परमिशंस को अलो करना है, अलो करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, सेटअप, सेटिंग अप, तो थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, क्योंकि ये आपके फ़ोन को चेक कर रहा है कि आपके फ़ोन में कोई हार्मफुल ऐप नहीं, ऐप तो नहीं है या फिर कोई वायरस तो नहीं है। जो स्टार्टअप बूटअप होता है इसका, जो पहली बार जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर उसके बाद आपने स्किप साइन पे क्लिक करना है, क्योंकि ये आपके फ़ोन की सिम को ऑटोमेटिकली जो है डिटेक्ट कर लेगा। आपके फ़ोन में जियो सिम होगी तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा और आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली ही लॉगिन हो जाएगा। आपको लॉगिन आईडी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से जो है माई जियो ऐप भी यूज़ करते हैं या फिर जियो की कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, तो ये जो है जियो सिम पे ही वर्क करेगा। अगर आपके फ़ोन में जियो की सिम है तभी ये जो है सिक्योरिटी वाला ऑप्शन जो है काम करेगा। तो आप जो है किसी और नेटवर्क पे भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने ट्राई तो नहीं किया बट मैं जियो पे ट्राई कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है देख सकते हो आप, ये ओपन हो रहा है और स्कैनिंग भी कर रहा है। अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये फर्स्ट स्टार्टअप है इसका। यहाँ पे बताया जाए, देख सकते हो एंटी मालवेयर ऊपर एक्टिवेट नहीं है, तो इसको हमने एक्टिवेट करना है। वो कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो वाईफाई सिक्योरिटी, और आप अगर आप जो है वाईफाई के थ्रू जो है नेट यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ से इसको ऑन करके जो है इसे सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि कोई वाईफाई के थ्रू कोई हार्मफुल जो कुछ आइटम तो नहीं है, हार्मफुल कोई वायरस तो नहीं आ रहा आपके फ़ोन में, तो ये आपको यहाँ से जो है डिटेक्ट करके बताएगा। तो इसका काम यह है वाईफाई सिक्योरिटी, तो आपका ये फ़ोन जो आपके फ़ोन को जो वाईफाई से सिक्योर करेगा। फिर उसके बाद जो है प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे प्राइवेसी में आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और सभी में सेफ सेफ लिखा है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता, अगर अनसेफ लिखा होता तो आपको वो एप्लीकेशन डिलीट करने पड़ेगी और आपके वो डाटा को चुरा रहा है और आपके फ़ोन को हार्मफुल कर रहा है अपने वायरस से। तो यहाँ पे जो है सभी में सेफ सेफ लिखा है, तो मतलब कि सभी सेफ़ हैं, कोई मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कुछ छेड़खानी करने की। तो आपने ऊपर से पहले इसको क्लिक करना है, इसको एक्टिवेट करना कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और एक्टिवेट होने के बाद फुल्ली एक्टिवेट होने के बाद ही आपके फ़ोन में बिल्कुल ही सिक्योर कर देगा। तो उसके लिए आपको दोबारा से जो है अपनी ऐप को बंद करके दोबारा से ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे भी वाईफाई सिक्योरिटी अभी तक एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन एंटी वायरस जो एक्टिवेट नहीं है, इसको हमने एंटी थेफ्ट को यहाँ से स्किप कर देना है, यहाँ से सेटअप कर देना है। सॉरी, सेटअप करने के बाद आपने नीचे एक्टिवेट वाला ऑप्शन आएगा, एक्टिवेट कर देना है यहाँ से। एक्टिवेट करने के बाद जो है यहाँ से आपने सिक्योरिटी वेब को, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने ऑन करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो एक्टिवेट नहीं हुआ है ये। फिर एक्टिवेट करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, कैसे होगा एक्टिवेट
तो आपने एंटीवायरस जो है इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आपकी फ़ोन की सेटिंग के अंदर ही होगा वो सेटिंग। वो कहाँ से निकलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपने जो है वो वाली सेटिंग ऑन कर ली है, फिर आपने एंटी मालवेयर पे क्लिक करना है। एंटी मालवेयर पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये देख सकते हो, अब ये सेटिंग आ गई। फिर आपने जो इंस्टॉल सर्विसेज में जाना है, सॉरी आपने इंस्टॉल सर्विसेज में जाना है, अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आपने इंस्टॉल्ड सर्विसेज में जाना है। फिर यहाँ से जो है आपने जियो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन सर, जियो सर्विस वाले, जियो सिक्योरिटी सर्विस को ऑन कर देना है। यहाँ से ऑन करने के बाद जो ये परमानेंटली आपके फ़ोन में जो है ऑन हो जाएगा। लो कर देना आपने सभी परमिशंस को, तो अब जो है आपके फ़ोन में फुल्ली एक्टिवेट हो चुका है ये एंटीवायरस। और ये स्कैन करना इसने स्टार्ट कर दिया है, और स्कैन करने के बाद जैसे तो कोई भी यहाँ पे वायरस नहीं है मेरे फ़ोन में, बिल्कुल ही सिक्योर है, तो ये कुछ नहीं बताएगा। तो आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सो आप लोग देख सकते हो आपका फ़ोन जो है बिल्कुल 100% हर एक चीज़ जो है बिल्कुल एक्टिवेट हो चुकी है आपके फ़ोन में। तो आप इजीली जो है इस एंटीवायरस का यूज़ जो है अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ही सिक्योर है और आपके फ़ोन में कभी भी वायरस नहीं आएगा। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।